देखो, मैं सोचता हूँ कि उनको अपने हद में रह करके बात करना तो एक, मैं सोचता हूँ, डिसिप्लिन बात है। वो सीमा से बाहर निकल करके जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, या तो उनको वो पद छोड़ करके सीधा राजनीति में आकर के फिर दो दो हाथ करने चाहिए। जिस पद पर वो हैं और जिस जगह उनको अध्यक्ष बना रखा है बोर्ड का, वहाँ उनको मर्यादित बातों में। और जहाँ तक पेपर के बारे में है, तो मैं सोचता हूँ जो विषय उठे हैं गंगापुर से और बाकी से, जिस प्रकार से, वो विषय गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी के कारण से हाईकोर्ट भी इसके बारे में प्रश्न ज्ञान ले लिया, और इसी तरह से पुलिस ने भी, SOG ने 15-20 लोगों को गिरफ्तार किया। तो कोई उनको कीर्तन करने के लिए गिरफ्तार तो नहीं किया, कोई उनको विषय उनके ध्यान में आया इसलिए बड़ा। तो मैं सोचता हूँ इस प्रचार को और ये करने के बनिस्पत, इसको अधिकृत रूप से जांच के लिए मैं सोचता हूँ कि अगर इसको SEBI को जांच दे दें, तो जांच के बाद, क्योंकि इतने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है, इसकी जांच अगर हो जाए तो उन बच्चों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके परीक्षा में, और लंबे समय से इंतजार के बाद परीक्षा हुई है, उन बच्चों को भी थोड़ा सा एक तरह से साहस और हिम्मत बन सकेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का इंटरव्यू देखा और इंटरव्यू देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये व्यक्ति संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है या कोई राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता की भाषा बोल रहा है। और जिस तरीके की भाषा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली ने बोली है, लगता है कि वो आने वाले समय के अंदर या वर्तमान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बने, संवैधानिक पद के ऊपर बैठने की गरिमा आपके अंदर नहीं है। और रही बात ये कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की क्या स्थिति है, वो तो राजस्थान के लाखों बच्चे जानते हैं कि उनके भाग्य के साथ कैसा खिलवाड़ आप लोगों ने किया है। आने वाला समय बताएगा कि इन भविष्य को बर्बाद करने का काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है, और एक भी जगह निष्पक्ष परीक्षा करने में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असफल रहा है।